हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज है डे 221 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है यूज़ ऑफ एटलीस्ट 5 ड्रग्स डेली बाय एन इंडिविजुअल इज़। ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल डेली एटलीस्ट 5 ड्रग्स का यूज़ कर रहा है सो दैट इज़ नॉन एज, सो दिस इज़ नॉन एज पॉलीफार्मेसी। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंख पुष्पी इज़ द होल ड्राइड हर्ब ऑफ। तो शंख पुष्पी में होल ड्राइड हर्ब पार्ट जो है वो यूज़ किया जाता है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्वोल्वुलस प्लूरिकॉलिस एंड इवोल्वुलस एल्सिनॉइड्स। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, कॉन्वोल्वुलासिस की फैमिली होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन प्रिजर्वेटिव इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो किस आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में प्रिजर्वेटिव जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। सो दीज आर अस्वाज एंड अरिस्टा जो फॉर्मुलेशन होती हैं इनमें प्रिजर्वेटिव रिक्वायर्ड नहीं होता है क्योंकि इसमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रोड्यूस होता है जो कि आपका एक्ट करता है एज अ प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है नित्याग इन आयुर्वेदा इज मेंशनड एज। सो आयुर्वेदा में नित्याग जो है ये आपका मेंशन किया गया है एज अ आयु पर्याय एंड कालवेरा। सो इसमें आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शुगर प्रेजेंट इन आरएनए इज़। सो आरएनए में जो शुगर प्रेजेंट होती है दैट शुगर इज़ राइबोस। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल्टोस इज़ कंपोज्ड बाय। सो मेल्टोस 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना होता है तो इट इज़ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्निके कोर्साकोफ सिंड्रोम इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो वर्निके कोर्साकोफ सिंड्रोम यह आपका कोज होता है थायमिन की डेफिशिएंसी से, दैट इज़ विटामिन B1। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज़ ओनली सिंथेसाइज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नॉट बाय प्लांट और एनिमल। सो कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज करते हैं एंड प्लांट एंड एनिमल इसको सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। सो दिस विटामिन इज़ कोवेलामिन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो बैक्टीरिया सिंथेसाइज करता है इंटेस्टाइन में। सो दिस विटामिन इज विटामिन के। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वार्क कैन बी यूज टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज़ बाय मेंटेनिंग द लेवल्स ऑफ ग्लूकोज एंड लिपिड्स। तो ग्लूकोज एंड लिपिड्स के लेवल्स को मेंटेन करके इनमें से कौन सी बार्क जो है वो यूज़ की जाती है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को ट्रीट करने के लिए। सो दिस बार्क इज सिनेमन बार्क। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोव बिलोंग्स टू डैश फैमिली। क्लोव की फैमिली क्या है। तो क्लोव बिलोंग्स टू मिर्टेसी फैमिली। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेल कटेचू इज़ एन एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लीव्स एंड यंग शूट्स ऑफ। तो पेल कटेचू जो है ये आपका लीव्स एंड यंग शूट्स पार्ट से ऑब्टेन होता है एंड द सोर्स इज अनकेरिया गैम्बियर। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब नॉर्मेलिटीज़ ऑफ प्लेटलेट्स इंक्लूड्स। तो इनमें से प्लेटलेट्स की अब नॉर्मेलिटीज़ में क्या चीज़ आएगी। सो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कंडीशन जो है इट इज़ रिलेटेड टू अबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ प्लेटलेट्स। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक एंटीडोट्स फॉर आर्सेनिक पॉइजनिंग इज़। सो आर्सेनिक पॉइजनिंग के लिए स्पेसिफिक एंटीडोट कौन से हैं। सो आर्सेनिक पॉइजनिंग में आपका ब्रिटिश एंटील्यूसाइट जो है ये आपका यूज़ होता है या फिर डाइमरकैप्रोल। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक एंटीडोट्स फॉर इथेनॉल पॉइजनिंग इज़। इथेनॉल पॉइजनिंग में एंटीडोट रहता है डाइसल्फिराम, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई पैरामाइनोफिनॉल नसेट्स फ्रॉम फॉलोइंग. सो इसमें से पैरामाइनोफिनॉल नसेट आइडेंटिफाई करना है. सो दिस drug is acetaminophen, that is paracetamol. So it is a non-steroidal anti-inflammatory drug. So next question है, which of the following local anesthetics is only used for topical administration. इनमें से कौन सा local anesthetic सिर्फ topical administration के लिए यूज़ किया जाता है. So this local anesthetic is benzocaine. So इसमें आपका ऑप्शन C is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ गैस जनरल एनेस्थेटिक इज. सो गैस जनरल एनेस्थेटिक का एग्जाम्पल कौन सा है. गैस में आपका आएगा नाइट्रस ऑक्साइड, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीसाइथेमिया इज द डिजीज एसोसिएटेड विद. तो पॉलीसाइथेमिया डिजीज जो है ये आपका एसोसिएटेड है विद एरिथ्रोसाइट्स और आरबीसीज, जिसमें आपका आरबीसी काउंट जो है वो बढ़ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ ट्रिप्टोफैन कैटाबॉलिज्म इज कॉल्ड. सो ट्रिप्टोफैन कैटाबॉलिज्म का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इनमें से कौन सा है. सो इट इज़ हार्टनप डिजीज. सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरामिडेज डेफिशिएंसी कैन कॉज. जो सेरामिडेज डेफिशिएंसी है इट कैन कॉज फार्बर डिजीज. सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डेफिशिएंसी इन द एक्टिविटी ऑफ स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम लीड्स टू. सो स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम की एक्टिविटी अगर डेफिशिएंट हो जाती है सो दैट कैन लीड टू अ डिजीज नोन एज नीमैन पिक डिजीज. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन गूसबेरी, अमलकी, धत्री एंड अमृता आर सिनोनिम्स ऑफ. तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ आंवला. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आंवला बिलोंग्स टू डैश फैमिली. आंवला की फैमिली क्या है. सो आंवला बिलोंग्स टू Euphorbiaceae फैमिली. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपेन इज एन एंजाइम फाउंड इन एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम. सो पेपेन जो है पेपेन इज एन एंजाइम जो कि कहाँ से ऑब्टेन होता है. सो इट इज़ एन एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम पपाया. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपेन इज द ड्राइड एंड प्योरीफाइड लेटेक्स ऑफ द ग्रीन फ्रूट्स एंड लीव्स ऑफ. सो इसमें बेसिकली सोर्स पूछा गया है पेपेन का. सो ड्राइड और प्योरीफाइड लेटेक्स से ऑब्टेन होता है जो भी ग्रीन फ्रूट्स और लीव्स होते हैं एंड सोर्स है इसका कैरिका पपाया. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है पपाया बिलोंग्स टू डैश फैमिली. पपाया किस फैमिली को बिलोंग करता है. सो इट बिलोंग्स टू कैरिकासी फैमिली. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर. ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन में कौन सा आयन जो है वो हेल्प करता है. सो दिस वन इज सोडियम. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज फॉर ट्रीटिंग ल्यूकेमिया. ल्यूकेमिया को ट्रीट करने के लिए एस्पेराजिनेज जो है ये यूज़ किया जाता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एंजाइम इज यूज एज एंटीवायरल एजेंट. एंटीवायरल एजेंट जो है वो इनमें से कौन सा एंजाइम है. सो एंटीवायरल एजेंट इज राइबोन्यूक्लियस. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलाजिनेज इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ. सो कोलाजिनेज जो है ये आपका यूज होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन अल्सर्स. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज नोन एज. सो अगर यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस आ रही है सो दैट कंडीशन इज नोन एज ग्लाइकोसियूरिया. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन. सो इंडियन फार्माकोपिया का पांचवा एडिशन जो है ये आया था आपका 2007 में. सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड इसमें आपकी 3 वॉल्यूम्स थी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following methods are used to measure pH value? pH value को measure करने के लिए इनमें से कौन से method जो है उनका यूज़ किया जाता है. So इसमें आपका pH paper जो है वह आपका यूज़ किया जाता है पीएच वैल्यू को मेजर करने के लिए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ अबनॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ अल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन इन द यूरिन इज नोन एज। सो अगर यूरिन में अल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन जो है उसकी कंसंट्रेशन अबनॉर्मल रहेगी, ठीक है, सो दैट कंडीशन इज नोन एज प्रोटीन यूरिया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज शुगर इन यूरिन ड्यू टू डिस्टर्ब फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म इज नोन एज। सो अगर फ्रक्टोज शुगर की प्रेजेंस है यूरिन में जो कि फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने की वजह से, अपसेट होने की वजह से हो सकती है, सो दैट कंडीशन इज नोन एज फ्रक्टोज यूरिया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ आरवीसी इन यूरिन इज। सो अगर यूरिन में आरवीसीज की प्रेजेंस है so that condition is known as hematuria, so option B is correct. Next question है Aconite belongs to dash family. Aconite किस family को belong करता है? So it belongs to Renin-Kuleshi family, so option D is correct. Next question है what is meant by anthroplasty? Anthroplasty किसे कहा जाता है? So anthroplasty basically एक surgical procedure होता है जॉइंट जो रहते हैं उनके फंक्शंस को रिस्टोर करने के लिए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडिफाइंग सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स फॉर सिक्रीशन इन सेल इज कैरिड आउट बाय। सो जो भी प्रोटीन्स आपके रहते हैं, ठीक है, सेल के अंदर, सो उसमें प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग का काम जो है वो कौन करता है? सो दिस वर्क इज डन बाय गोल्गी बॉडीज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम्स आर नॉन एज सुसाइडल बैग्स बिकॉज। सो लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज इन ड्रग इन्फॉर्मेशन। ड्रग इन्फॉर्मेशन में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? सो ड्रग इन्फॉर्मेशन के लिए आपका मेडलाइन, मेडलार्स, टॉक्सिकोलॉजी डाटा बैंक, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो आपके इसमें यूज़ किए जाते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ पेडिज इज। सो PADIS। पेडिज की फुल फॉर्म क्या है? तो इट स्टैंड्स फॉर फार्मेसी ऑटोमेटेड ड्रग इंटरेक्शन स्क्रीनिंग। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वचनाग एंड मोंगशूद आर द सिनोनिम्स ऑफ। सो वचनाग एंड मोंगशूद जो है ये किसके सिनोनिम्स हैं? सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ एकोनाइट। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है एकोनाइट इज द ड्राइड रूट्स ऑफ। सो एकोनाइट में ड्राइड रूट्स पार्ट ऑप्टेन होता यूज किया जाता है ऑफ एकोनिटम नेपेलस। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेनिया रूट एंड विंटर चेरी आर सिनोनिम्स ऑफ। विंटर विदेनिया रूट या फिर विंटर चेरी वाक जो है वो किसे कहा जाता है? सो इट इज़ अश्वगंधा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्वगंधा इज द ड्राइड रूट्स एंड राइजोम्स ऑफ। सो अश्वगंधा में भी आपके ड्राइड रूट्स एंड राइजोम्स पार्ट यूज होता है किसका? ऑफ विदेनिया सोमनीफेरा। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टुगेदर विद द नॉलेज ऑफ डिजीज फॉर इट्स प्रिवेंशन, मिटिगेशन और क्योर इज। सो अगर फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को डिजीज़ की नॉलेज के साथ यूज़ किया जाए, अप्लाई किया जाए ताकि हम उस पर्टिकुलर डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकें या मिटिगेट होने से रोक सकें या फिर क्योर कर सकें, so this is a study known as pharmacotherapeutics. so इसमें आपका option C is correct. next question है process by which a disease is developed. so ऐसा process जिसकी वजह से disease develop होता है, so उस process को कहा जाता है pathogenesis. so इसमें आपका option C is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कोप ऑफ फार्माकोथेरापेटिक्स इंक्लूड। सो फार्माकोथेरापेटिक्स का स्कोप क्या है? सो फार्माकोथेरापेटिक्स में आप पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं डिजीज़ की, उसके थेरेपेटिक्स के बारे में देखते हैं डिजीज़ की, थेरेपेटिक्स मैनेजमेंट ऑफ डिजीज़, ठीक है, मैनेजमेंट के डिफरेंट वेज जो हैं वो भी इसमें फार्माकोथेरेपेटिक्स में देखे जाते हैं। सो स्कोप में आपके सारे ही ऑप्शंस आ जाएंगे A to C। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ दीज इज़ करेक्ट। इसी के साथ में 50 MCQ क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। PDF अगर आपको चाहिए तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जो कि 7 डेज़ तक एक्टिव रहेगा, तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, सो आई कैन रिव्यू दैट क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।